करना है और तैयार रहना है। हो सकता है 15 दिन 20 दिन महीना अस्पतालों को बंद करना पड़े। बिल्कुल करेंगे। सरकार बदलिए। महिलाओं के साथ आज भी वही अपमान होता है और पहले भी वही अपमान होता था, इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। सरकार कोई भी आए, लेकिन महिलाओं को सम्मान देने का कार्य कोई भी सरकार कर सकती है यदि वो उस चीज़ के लिए सोचे। सोच बदलना ज़रूरी है। सरकार बदलने से ना ही ये समाधान होने वाला है और ना ही इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा। वुमेन सेफ्टी के लिए, वर्क प्लेस के लिए नारे बहुत ज़्यादा है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी आज के दिन सबसे पढ़ी लिखित शिक्षित महिला के साथ जो हुआ वो शर्मनाक है। और आई थिंक सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और कोई कड़े से कड़ी सुरक्षा और कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी एक उदाहरण सेट होगा समाज में। अदरवाइज सरकार बदलती रहेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। महिला की सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। जान देने वाला ही कि अगर आप जान लोगे तो ये इंसाफ ऐसे नहीं होगा। महिला की सुरक्षाएं बनाए, डॉक्टर्स की सुरक्षा बनाए, हमारी यही मांग है। और ज़रूरी, जब तक इंसाफ नहीं होगा हम हड़ताल पे रहेंगे, आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। लॉन्ग टर्म प्लान्स जो भी बनेंगे गवर्नमेंट की तरफ से उनका हम वेलकम करेंगे और वेट करेंगे, लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट हमें चाहिए, वी वॉन्ट जस्टिस एट द वेरी फास्ट स्पीड, एट द वेरी फास्ट पेस, दैट्स इट। मैम, क्या जब तक इंसाफ नहीं होता है हॉस्पिटल बंद रहेंगे? तब तक हमें अगर करना पड़ा तो हम अपनी सेवाएं स्थगित रखेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे घर की बेटी की तरह थी, हमारी डॉक्टर बहन थी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन शी वॉज द डॉटर ऑफ इंडिया। थैंक यू। की अपील करते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे आप सब लोगों ने दिल्ली निर्भया के समय साथ दिया था, वैसे ही सड़कों पर उतरकर। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात महिला डॉक्टर की नहीं है, ये एक महिला की बात है। हर बेटी, हर माँ, हर बहन को सुरक्षा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जरूरी है। तो हम इसी इंसाफ के लिए आज रोड पे उतरे और हम हर एक इंसान से चाहेंगे कि वो हमारा साथ दे इस लड़ाई में। एटलीस्ट ममता सरकार ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। हम सरकार से अपील करते हैं, ममता सरकार के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि वो सरकार दोषियों को बचा रही है। मैम, इसको लोग निर्भया 2 के नाम से कह रहे हैं, तो इस चीज़ पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि निर्भया जो निर्भया कांड हुआ था उसमें भी इंसाफ की कोई ऐसी आस लोगों को दिखी नहीं थी, और अब फिर से एक बार ऐसा दुष्कर्म हुआ। निर्भया कांड में वो दोषी पकड़े गए, उनको फांसी भी हुई, कम से कम इंसाफ मिला। अब अगर ये दोषी पकड़े नहीं जाते तो इस निर्भया को इंसाफ नहीं मिलेगा। पूरे सबूत मिटाने की कोशिश की गई, 3-4 हज़ार की भीड़ वहाँ गई, वो सब स्टेट स्पॉन्सर्ड था, वो सब स्टेट द्वारा भेजे हुए गुंडे थे। उन्होंने जो वहाँ पे डॉक्टर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा पीटा, उनका सब वैंडलाइज कर दिया, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करी, सारे सबूत मिटा दिए। हमारी ये मांग है सरकार से कि जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए। मैम, जब भी इस देश में कुछ महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है तो इंसाफ मिलने में हमेशा देरी होती है, इस पे क्या कहेंगे, क्या सरकार को संदेश है? मैं यही कहना चाहूंगी अपने सारे प्रबुद्ध नागरिकों से कि अगर डॉक्टर जिस इमरजेंसी के लिए अपनी बिल्डिंग में रह के, अपने अस्पताल में रह के सेवा करता है, अगर उसको इतना मजबूर किया जाएगा कि आज वो सड़कों पर उतर रहा है, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे भारत के प्रति व्यक्ति के लिए बहुत शर्मनाक है। हम ये चाहेंगे कि जो सरकार है वो जितना जल्दी न्याय दे इस मुद्दे पर, यही हमारी सबसे पहली मांग है। और इसके अलावा किसी भी जगह पर, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, किसी भी जगह पर हमारी नारी को अगर असम्मान महसूस होता है तो उसको त्वरित न्याय दिया जाए, घर से लेकर परिवार तक, बाहर से लेकर और कार के स्थल तक। मैं यही चाहूंगी कि हमारी सरकार इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी न्याय की विवेचना करे और हर सबूत जागरूक हो, सबूत मिटाने से पहले न्याय का समाधान करे, लोगों की जो मांग है उस पर जल्दी से जल्दी विचार करके दोषियों को फांसी दी जाए। और जैसे मोदी सरकार कहती है कि पंक्ति में आखिरी खड़ी हुई औरत, हर महिला को, हर आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी भी ये डिमांड है कि पंक्ति में खड़ी हर एक औरत को इंसाफ मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। और हम ये मांग करते हैं कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का बिल पास होने के लिए कोविड के टाइम में आया था और वापस ले लिया गया,
उसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि सारी महिलाएं डॉक्टर से लेके जो भी वर्क प्लेस पे जाती हैं और पब्लिक की सेवा करती हैं उन्हें कभी डर महसूस नहीं हो कि उनके साथ कुछ घिनौना हो जाएगा। इससे बड़ी चीज़ हमारे देश के लिए घिनौनी चीज़ नहीं हो सकती कि जब महिला जो काम पे जाती है वो सेफ नहीं है तो आगे देश से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो आगे बढ़ पाएगा इस तरह की सारी चीज़ों को लेके। तो समाज के ऊपर ये हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि जो बलात्कार के जो केसेस होते हैं उनको बहुत गंभीरता से उनका आगे उनको चलाया जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक पे उनकी सुनवाई होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी जो पीड़िता है उसको न्याय मिले और बाकी लोगों को भी इससे सबक मिले कि हमारे यहाँ केसेस 7-7, 8-8 साल तक चलते रहते हैं। जो पीड़िता के रिश्तेदार हैं उनको जो आरोपी हैं वो धमकाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए इसके लिए, स्पेशल कोर्ट हो ताकि उनको जल्दी न्याय मिल सके।